हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा। आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे फ्रेनल द्वीप प्रिज्म। ये क्या होता है देखो, तो जो अपने पास फ्रेनल द्वीप प्रिज्म होता है वो अपने पास क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। फ्रेनल द्वीप प्रिज्म अपने पास क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसकी सहायता से अपन प्राप्त करते हैं दो कोरेंट सोर्स। अपन ने प्राप्त किया था दो कोरेंट सोर्स S1 और S2। तो फ्रेनल द्वीप प्रिज्म की सहायता से दो कोरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन ने देखे थे इसके एप्लीकेशन। इसका पहला एप्लीकेशन क्या था, इसकी सहायता से अपन किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये इसका था पहला एप्लीकेशन। दूसरा अपने पास क्या था, दूसरा था इसकी सहायता से दो कोरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। दो कोरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये था इसका दूसरा एप्लीकेशन। अब आज अपन करेंगे इसका तीसरा एप्लीकेशन। वो अपने पास कौन सा है, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, फ्रेनल द्वीप प्रिज्म की सहायता से अपन किसी पतली परत का या पतली फिल्म का अपन मोटाई निकाल सकते हैं। मोटाई निकाल सकते हैं, टी मोटाई। तो फ्रेनल द्वीप प्रिज्म की सहायता से किसी पतली परत या पतली फिल्म का अपन मोटाई फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए अपना क्या है आज की क्लास का दूसरा, सॉरी इसका तीसरा क्या है, अनुप्रयोग। तीसरा अपने पास क्या है, इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो इस तरह से। तो तीसरा अपने पास का एप्लीकेशन क्या है, फ्रेनल द्वीप प्रिज्म की सहायता से, फ्रेनल द्वीप प्रिज्म की सहायता से पतली फिल्म की मोटाई याद करना। पतली फिल्म की क्या करेंगे, मोटाई अपन ज्ञात करेंगे। ओके, मोटाई ज्ञात करना। देखो ध्यान से, यहां पर अपने पास क्या है, दो सोर्स है। कौन कौन से हैं, S1 और S2, ये दो सोर्स हैं। ये अपने पास क्या है, ये है दो कोरेंट सोर्स है। और यहां पर अपने पास क्या है, स्क्रीन है। ये पर्दा अपने पास, और ये अपने पास क्या है, यहां पर ये होता है सेंटर की एक्सिस। ये ओ अपने पास सेंटर है जिसके ऊपर ऑलवेज अपने को ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, देखो इस तरह से। अब अगर अपने पास, अब यहाँ पर अपने एक प्रिज्म, द्वीप प्रिज्म जो था वो यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे अपन। ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, अपने पास एक द्वीप प्रिज्म है इस तरह से। ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये अपन एज्यूम करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक द्वीप प्रिज्म है, बट अपन बार बार यहाँ पर उसको बनाएंगे नहीं। अब देखिए आगे, ये अपने पास क्या है, S1 सोर्स है। तो इससे क्या होगा, अपने पास प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर, सेम इससे होगा। इसको बोलेंगे पी नॉट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, पी नॉट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये अपने पास क्या है, सेंटर मानेंगे इसको। ये अपने पास क्या है, सेंटर है। तो जब अपने पास क्या हो, S1 एंड S2 अपने पास क्या है, दो कोरेंट सोर्स हैं। ये अपने पास स्क्रीन, ओके। तो जब यहाँ से अपने पास क्या होगा, प्रकाश की किरणें आएगी तरंग की फॉर्म में, तो वो इस सेंटर के ऊपर क्या होगा, अपने पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनका होगा इंटरफेरेंस, यहाँ पर क्या होगा, इनका इंटरफेरेंस होगा। एंड यहाँ पर अपने को मिलेगी एक ब्राइट फ्रिंज, क्या मिलेगी, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। पहले ब्राइट, फिर डार्क, फिर वापस ब्राइट। तो ये अपने पास क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज है।
और ये आदित्य है। ओके, यहाँ पर अपने पास द्विप्रिज्म है, बट यहाँ पर मैंने उसको बनाया नहीं है, बार बार उसको नहीं बनाएंगे। ओके, आगे देखो, अब बात करते हैं अपन कि अगर अपने पास यहाँ पर अपन रखते हैं एक पतली फिल्म को, किसको रखते हैं, एक पतली फिल्म को रखते हैं इस तरह से, यहाँ पर अपने पास क्या है, एक पतली फिल्म है, इसकी टी मोटाई है एंड म्यू क्या है, इसका अपवर्तनांक है। ये पतली फिल्म है, इसकी टी मोटाई है और म्यू क्या है, इसका अपवर्तनांक अपने पास है। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर अपने को पी वन पॉइंट पर मिलता है, फिर ये अपना होता है केंद्रीय ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर मिलती है ब्राइट, फिर डार्क इस तरह से। मीन्स बेसिकली अपने पास जो ब्राइट फ्रिंज सेंटर की यहाँ पर मिल रही थी, वो इस पतली फिल्म के कारण क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अक्ष क्या होगा इसमें, विस्थापन होगा। ओके, ध्यान से सुनना इस लाइन को कि जो अपने पास ब्राइट फ्रिंज सेंटर वाली, सेंटर पे क्या मिलती है, ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज मिलती है। जो सेंटर अपने पास ब्राइट फ्रिंज थी, केंद्रीय चमकीली जो फ्रिंज अपने पास थी, वो पहले यहाँ पर थी, बट जब अपन यहाँ पर पतली फिल्म लगाते हैं तो क्या होता है, वो फ्रिंज यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। अब क्या है, यहाँ पर अपने पास ब्राइट फ्रिंज है सेंटर वाली, ठीक है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गई। अब निकालेंगे अपन इस फिल्म की मोटाई क्या है, ये अपने पास क्या एक परत है, एक फिल्म है, ये अपने पास क्या है, एक बहुत पतली परत बोल सकते हैं, या बहुत पतली इसको फिल्म अपन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो जब अपने पास ये फिल्म इस तरह से है, जब प्रकाश किरण इसके ऊपर आती है, इस तरह इसके ऊपर आती है, ओके, इन द केस यहाँ पर क्या एयर है, एयर से माध्यम में जाती है, एयर से जब माध्यम में जाती है, तो उस केस में क्या होगा, ये इस अभिलंब की तरफ झुक जाती है, बट जब प्रकाश किरण माध्यम से एयर में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, इस तरह क्या होता है, इसके अंदर इसका फिनोमिना होता है, ठीक है। आइए देखिए, तो S1 व S2 दो कला संबंध प्रकाश स्रोत है, दो कला संबंध प्रकाश स्रोत है, एक पतली फिल्म, इसकी मोटाई क्या है, टी है। फिल्म क्या होता है, लाइक अपने पास एक परत है, बहुत पतली क्या है, कोई परत है, उसकी मोटाई अपने को निकालनी है, तो एक पतली परत या फिल्म की टी मोटाई तथा म्यू अपने पास क्या है, अपवर्तनांक है, म्यू अपवर्तनांक है। अगर मैं इस फिल्म को नहीं रखती हूँ, फिल्म को यहाँ पर पुट नहीं करती हूँ, तब क्या होता है, तब अपने को पी नोट पॉइंट के ऊपर मिलती है एक केंद्रीय चमकीली फ्रिंज मिलती है। ओके, देखो, फिल्म की अनुपस्थिति में पर्दे के बिंदु पी नोट पर केंद्रीय चमकीली फ्रिंज मिलती है, तथा
जब अपन प्रकाश किरणों के किरणों के तो पात अपने पास है, उनके पात में क्या रखते हैं, एक पतली फिल्म रखते हैं, तो क्या होता है ये चमकीली फ्रिंज विस्थापित होती है पी वन पॉइंट के ऊपर। ओके, यदि प्रकाश किरणों के पथ में एक चमकीली सॉरी एक पतली फिल्म रखते हैं, तब क्या होता है अपने पास, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज क्या होती है, विस्थापित होकर पी वन पॉइंट पर चली जाती है। तब केंद्रीय चमकीली फ्रिंज पी वन बिंदु पर क्या होता है, विस्थापित हो जाती है। ओके, अब देखो फतांतर अपने पास क्या होगा, फतांतर यहां पर इस केस में फतांतर अपने पास पाथ का डिफरेंस कितना आएगा उसकी बात करें। यहाँ पर अपने पास क्या एक फिल्म है, तो अगर अपने पास जो तो प्रकाश की किरण है वो एयर में गति करती है, क्या करती है, प्रकाश की किरण एयर में गति करती है इस तरह से, तो वो टी मोटाई ट्रेवल करती है। बट अगर वो इसके अंदर गति करे तो क्या होता है, म्यू टी ट्रेवल करती है, म्यू टी। ओके, तो पथांतर क्या होगा, म्यू टी माइनस टी होगा, यहाँ पर टी कॉमन आएगा तो म्यू माइनस वन होगा। समीकरण एक, ये अपने पास क्या है, पतांतर है। अब देखो एस टू पी वन माइनस एस वन, वन सेकेंड, पतांतर अपने पास क्या होता है किसी पॉइंट पर, एस टू पी माइनस एस वन पी, ये होता है एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होता है, ये अपने पास होता है। तो अब क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, क्या करेंगे, इनको अपन बराबर करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा फिर, टी म्यू माइनस वन इक्वल एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पर टी क्या आएगा, टी अपने पास आएगा एक्स स्मॉल डी अपॉन म्यू माइनस वन कैपिटल डी, ये अपनी है समीकरण नंबर तीन। और ये अपनी क्या आई है, मोटाई आई है पतली फिल्म की, टी अपने पास क्या, मोटाई है पतली फिल्म की। ओके, अब देखिए म्यू अपने पास क्या है, ये अपवर्तनांक है। ओके, स्मॉल डी अपने पास क्या है, ये अपने पास है दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस है। ओके, और कैपिटल डी अपने पास क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। एक्स अपने पास क्या है, पी नॉट और पी वन बिंदु के बीच का डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, अगर अपने को ये सब पता हो तो अपन यहाँ से टी निकाल सकते हैं, अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अपने पास है कैपिटल डी। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यदि अपने पास जो चमकीली फ्रिंज है, जो केंद्रीय चमकीली फ्रिंज है वो पी नोट से पी वन पर जाती है, यहाँ पर विस्थापित होती है आफ्टर प्लेस थिन फिल्म, यहाँ पर क्या हुई, विस्थापित हुई है। बट अगर माना अपने कि यहाँ पर पहले क्या थी, पहले यहाँ पर दीप्त फ्रिंज थी, एनवी दीप्त फ्रिंज थी, एनवी दीप्त फ्रिंज थी। ओके, तो जो अपने चमकीली केंद्रीय जो फ्रिंज अपने पास है, तो केंद्रीय चमकीली फ्रिंज है वो क्या हुई है, वो एनवी दीप्त फ्रिंज के ऊपर विस्थापित हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है, इसका विस्थापन हुआ है। ओके, तो इस केस में अपने पास मोटाई क्या आएगी, इसको डिस्कस करते हैं। देखो यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज
एन वी दीप्त फ्रिंज पर विस्थापित होती है, फ्रिंज पर विस्थापित होती है। तब अपने पास क्या होगा, फतांतर क्या होता है एनवी दीप्त फ्रिंज का, वो अपने पास होता है एन लेमडा। क्या होता है एन लेमडा अपने पास होता है। देखो तो टी म्यू माइनस वन क्या होगा, एन लेमडा होगा। तो टी यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, एन लेमडा अपॉन म्यू माइनस वन। समीकरण चार देखो, टी अपने पास यहाँ पर क्या है, फिल्म की मोटाई है। एन अपने पास क्या है, एन फ्रिंज है। लेमडा क्या है, लेमडा अपने पास है वेवलेंथ, ठीक है। और म्यू अपने पास क्या अपवर्तनांक है, तो अपने को अगर एन पता हो, लेमडा पता हो, म्यू अपने को पता हो, तो यहाँ से अपन टी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना केस नंबर सेकंड, यदि अपने पास जो चमकीली फ्रिंज है पी नॉट के ऊपर, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज जो अपने पास है पी नॉट के ऊपर, वो विस्थापित होती है पी वन के ऊपर। पी वन के ऊपर पहले से अपने पास क्या है, एक अदीप्त एनवी फ्रिंज है। अदीप्त क्या है, एनवी फ्रिंज है, ये अपने पास यहाँ पर एक क्या है, अदीप्त एनवी फ्रिंज अपने पास यहाँ पर है, ओके। तो इसका पथांतर क्या होता है, एनवी फ्रिंज का पथांतर अपने पास होता है अदीप्त का होता है एन प्लस हाफ लेमडा, और दीप्त का होता है एन लेमडा। ये अपने पास क्या है, अदीप्त फ्रिंज का पथांतर है, ये अपने पास क्या है, दीप्त फ्रिंज का पथांतर, ठीक है। देखो आगे, यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज एनवी अदीप्त फ्रिंज पर विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, तब अपना पथांतर क्या होगा, टी म्यू माइनस वन, ये होगा एन प्लस हाफ लेमडा। जैसे टी अपने पास आएगा एन प्लस हाफ लेमडा अपॉन म्यू माइनस वन, तो टी इक्वल टू एन प्लस हाफ प्लस वन लेमडा अपॉन टू म्यू माइनस वन, और ये अपने पास है समीकरण नंबर पांच, ठीक है। तो ये अपने पास है पतली फिल्म की मोटाई, और लेमडा अपने पास क्या है, वेवलेंथ है, और म्यू क्या है, ये अपने पास होता है अपवर्तनांक, ओके। तो अगर अपने को ये सभी पता हो तो यहाँ से अपन टी निकाल सकते हैं, तो ये ठीक है, नोट करो इसको। तो इस तरह से अपन फ्रेनल बायोप्रिज्म की सहायता से किसी भी पतली फिल्म की, पतली परत की अपन मोटाई का पता लगा सकते हैं। अगर अपने पास कोई फिल्म है टी मोटाई की, ओके, इसका मान अपन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेनल बायोप्रिज्म की सहायता से, ओके। देखो तो लिखो इसको, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। देखिए अगला अपना टॉपिक है पतली फिल्मों में व्यतिकरण, कौन सा है, पतली फिल्मों में, थिन फिल्म में क्या है व्यतिकरण किस तरह से होता है, ओके। देखो इस तरह से, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इन थिन फिल्म ये कैसे होता है,
देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या होता है, वाटर होता है, उसमें साबुन के झाग होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, या फिर ऐसे भी फर्श पर क्या होता है, साबुन का झाग होता है, वो अपने कुछ रंगीन दिखाई देता है। तो साबुन के झाग होते हैं अपने फर्श पर पड़े हुए होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ रंगीन दिखाई देते हैं। ओके, एंड जो अपने पास ऑयल होता है, तेल होता है, उसकी परत भी क्या होती है, अपने को रंगीन दिखाई देती है। तेल की परत भी अपने को रंगीन दिखाई देती है। ओके, तो ये दिखाई देती है ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये अपने पास होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस के कारण ये अपने को रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, देखो तो जो अपने पास साबुन का झाग होता है, साबुन का जो झाग होता है, और जो अपने पास तेल की परत होती है, ये अपने पास क्या होता है, ये दोनों एक पतली परत होती है। तेल की परत जो होती है, दोनों अपने पास क्या है, पतली परत है। ओके, तो जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है, इन परतों के ऊपर, तब क्या होता है, उनका व्यतिकरण होता है, तब क्या होता है, उनका व्यतिकरण होता है। ओके, इंटरफेरेंस होता है, देन आफ्टर क्या होता है, अपने को ये कुछ रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से, ये अपने पास कोई साबुन का झाग है, वो अपने को इस तरह का दिखाई देता है। तो जो साबुन का झाग अपने पास है, वो क्या है, एक पतली परत है, एक पतली फिल्म बोलते हैं उसको। तो जब उसके ऊपर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो क्या होता है, उनका इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है, उनका इंटरफेरेंस होता है, देन आफ्टर अपने को इस तरह झाग जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है। तो ये अपने पास क्या, एक साबुन का झाग है। ठीक है, देखो आगे, अब बनाते हैं यहाँ पर डायग्राम। ये अपने पास क्या है, पतली परत है, इसकी मोटाई है टी, इसकी टी अपने पास क्या है, मोटाई है, और म्यू क्या है, इसका अपवर्तनांक है। टी मोटाई है और म्यू अपने पास क्या है, इसका अपवर्तनांक है। ठीक है, एक प्रकाश किरण है जो कि यहाँ पर आपतित होगी, यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित होगी इस फिल्म की, इस परत की एक सरफेस के ऊपर क्या होगा, प्रकाश किरण आपतित होगी। अब आगे क्या होगा, ये अपने पास क्या है, अभिलंब है, तो जब प्रकाश की किरण इस परत के ऊपर आपतित होती है, तो क्या होगा, उसका कुछ पार्ट तो क्या होगा, परावर्तित होगा, मतलब वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। इस तरह से कुछ पार्ट क्या हुआ है, परावर्तित, कुछ पार्ट क्या होगा, इस मीडियम में आएगा, अपवर्तित होगा, क्या होगा, अपवर्तित होगा। देखो तो ये यहाँ पर क्या है, एयर है, बट यहाँ पर क्या है, कोई मीडियम है, तो क्या होगा, वो प्रकाश किरण यहाँ पर थोड़ी झुक जाएगी इस तरह से। यहाँ पर भी अपने पास क्या है, एक अभिलंब है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है, इस दूसरी सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका इसी मीडियम में चला जाएगा इस तरह से, एंड कुछ पार्ट क्या होगा, बाहर आएगा। तो जो अपने पास यहाँ पर क्या है, कोई मीडियम है, यहाँ पर अपने पास क्या है, एक मीडियम है, बाहर अपने पास क्या है, एयर है, तो क्या होगा, अपने पास ये इस तरह अभिलंब से दूर हटेगी, इस तरह जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, सेम यहाँ पर आई, इसका कुछ पार्ट क्या हुआ है, परावर्तित, ये एंगल अपने पास क्या है, आपतित कोण है, ये बराबर है, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ पर अपने पास अपवर्तित होगा, रिफ्रेक्ट होगा, ये आर एंगल है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है, दो पैरेलल एक्सिस हैं, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। ओके, तो कुछ पार्ट क्या होगा इसका, इस तरह अपवर्तित होगा,
वो पार्ट क्या होगा इस दूसरी परत पर आपतित होगा, तो यहाँ पर क्या होगा उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा इस तरह जाएगा एंड कुछ पार्ट बाहर आएगा, ओके इस तरह आगे देगी। सेकंड के बाद ये अपने पास क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा एक अभिलंब होगा, तो जो प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हुई है इस परत के ऊपर, पहली परत के ऊपर, तो क्या होगा इसका कुछ पार्ट क्या होगा इसी मीडियम में आएगा, डिफ्रेक्ट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा दूसरे मीडियम में जाएगा इस तरह से, ठीक है। सेम चीजें आगे चलती जाएगी, सेम क्या होगा आगे अपना चलता जाएगा ये प्रोसेस इस तरह से, ठीक है। आगे देखो, तो ये जो अपने पास पॉइंट है इसको बोलेंगे ए पॉइंट, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये अपने पास सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और इसको बोलेंगे अपन ई पॉइंट, ठीक है। ये अपने पास इस तरह पॉइंट है, यहाँ पर ये अपने पास है एम, और ये जो अपना बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट अपने पास है इस बी सॉरी डी पॉइंट है, डी पॉइंट से क्या करते हैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं एन। ये अपने पास क्या एन है, यहाँ पर 90 एंगल है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये अपने पास है आर वन किरण, ये आर टू किरण, ओके। ये अपने पास क्या आर वन है रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्ट अपने पास क्या है सॉरी रे है, आर टू क्या है दूसरी अपने पास क्या है परावर्तित किरण है, ये अपने पास टी वन है, और यहाँ पर क्या होगा इसका भी कुछ पार्ट बाहर आएगा, और ये है टी टू, टी मतलब अपने पास होती है पारगमित किरण, टी क्या होती है पारगमित किरण होती है इस तरह से। देखो आर वन अपने पास क्या है फर्तम परावर्तित किरण है रिफ्लेक्ट अपने पास रे है, आर टू क्या है दूसरी परावर्तित किरण है रिफ्लेक्ट रे है, और ये अपने पास क्या है पारगमित किरण है, तो इसको बोलते हैं अपन परावर्तित भाग, इसको क्या बोलेंगे परावर्तित भाग, और ये अपने पास क्या है पारगमित भाग, परावर्तित भाग, और ये अपने पास क्या है पारगमित भाग अपने पास। अब देखो, अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या जो प्रकाश की किरणें क्या हो रही पारगमित हुई है परावर्तित हुई, इनका क्या होगा इनका व्यतिकरण होगा, इनका अपने पास क्या होगा इंटरफेरेंस होगा, जिस कारण क्या होगा यहाँ पर अपने को एक रंगीन सतह दिखाई देगी, ओके। तो अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले परावर्तित किरणों का व्यतिकरण, उसके बाद करेंगे पारगमित किरणों का व्यतिकरण, दोनों का व्यतिकरण अपन पढ़ेंगे, ओके। और इनके अंदर अपन निकालेंगे पाथ का डिफरेंस क्या है, दोनों केस में पाथ का डिफरेंस अपने पास कितना आया वो अपन फाइंड आउट करेंगे, ओके। देखो आगे इसकी थ्योरी लिखते हैं, इस डायग्राम को बनाओ पहले। अब लिखते हैं इसकी थ्योरी, जब किसी पतली फिल्म जैसे साबुन का झाग तेल की परत इत्यादि पर प्रकाश किरण आपतित किया जाता है, आपतित होता है, तो
तब भी प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। उसको अपन बोलते हैं कौन सा भाग, परावर्तित भाग, उसे परावर्तित भाग कहते हैं। कुछ भाग क्या होता है, पारगमित होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पारगमित पार्ट या ट्रांसमिटेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए तथा कुछ भाग क्या होता है, पारगमित होता है। उसे पारगमित भाग कहते हैं। अब तो अपने पास प्रकाश किरण है, इनमें क्या होगा, इनमें होगा व्यतिकरण, इनमें अपने पास क्या होगा, व्यतिकरण होगा। ओके, देन आफ्टर क्या होगा, अपने को वो सतह रंगीन दिखाई देगी। जो अपने पास साबुन का झाग है और जो अपने पास तेल की परत है, वो अपने को रंगीन दिखाई देगी। ओके, देखो आगे परावर्तित व पारगमित किरणों के व्यतिकरण के कारण क्या होगा, अपने को पतली फिल्म की सतह रंगीन दिखाई देगी। व्यतिकरण के कारण फिल्म जैसे साबुन के झाग तथा जो अपने पास क्या होगी, तेल की परत होगी, वो अपने को रंगीन दिखाई देगी। ओके, तथा तेल की परत रंगीन दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखिए, जो परत अपने पास है तेल की या साबुन के झाग की, वो अपने पास क्या है, उसकी टी मोटाई, एंड म्यू अपने पास क्या है, उसका अपवर्तनांक है। ओके, परत का पतली फिल्म की टी मोटाई टी तथा अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। अब देखो, अब जो यहाँ पर प्रकाश की किरणें आपतित हुई है, इसका आयाम क्या है, ए मानना, इसका आयाम अगर ए है इस प्रकाश किरण का, तो देखो जो अपने पास भाग परावर्तित होगा, कुछ कुछ क्या होगा, अपवर्तित होगा। कुछ भाग क्या होगा, अपने पास परावर्तित होगा, कुछ भाग अपवर्तित होगा। ओके, ये भाग क्या है, पारगमित। अब देखो, तो अगर प्रकाश किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, इसका आयाम ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ तक प्रकाश किरण आएगी तो इसका तो लॉस होता जा रहा है। देखो कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस इसी मीडियम में, तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो अपने पास आर वन है, इसका आयाम ज़्यादा है। ओके, तो परावर्तित भाग में अपने पास क्या है, आर वन एंड आर टू, जो प्रकाश किरण है परावर्तित भाग में, इनका आयाम क्या है, अपने पास लगभग समान, इनका आयाम क्या है, लगभग समान। बट जो अपने पास पारगमित किरणें हैं T1, T2, इनका आयाम क्या है, बहुत कम है। तो ये अपने पास जो व्यतिकरण होता है R1, R2 से, वो अपने को स्पष्ट दिखाई देता है। बट ये जो अपने पास इंटरफेरेंस है T1, T2 का, वो अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि आयाम क्या है, इनका बहुत कम है। देखो जो अपने पास प्रकाश किरण यहाँ पर क्या है, सीधी रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, बट यहाँ पर क्या हो, यहाँ तक आते आते उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक प्रकाश किरण का आते आते क्या होता है, उसका आयाम कम हो जाता है। ओके, देखो आगे,
फर्तम दो, परावर्तित किरणों का आयाम क्या होता है? लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। समान होता है। ओके? इसलिए प्रथम दो परावर्तित किरणों का व्यतिकरण क्या होता है? अपने को स्पष्ट दिखाई देता है, अपना आसानी से उसको आंखों से देख सकते हैं, ठीक है? किरणों का व्यतिकरण स्पष्ट दिखाई देता है। दिखाई देता है। बट जो अपने पास पारगमित किरणें होती है, इनका आयाम बहुत कम होता है। पारगमित किरणों का आयाम क्या होता है? बहुत कम होता है। इनको अपन आसानी से नहीं देख सकते, इनका व्यतिकरण अपन आसानी से नहीं देख सकते, ठीक है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ओके, आगे देखिए। अब इसके अंदर, इसी टॉपिक के अंदर अपना पहला हेडिंग क्या होगा? इसी टॉपिक के अंदर अपना पहला हेडिंग है परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। इसी टॉपिक के अंदर अपना पहला हेडिंग है परावर्तित किरणों में व्यतिकरण किस तरह से होगा। ओके, अब इसके अंदर अपन निकालेंगे सबसे पहले पाथ का डिफरेंस टेल। तो जो अपने पास परावर्तित किरणें हैं उनमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो निकालेंगे अपन। ओके, देखो इस तरह से, इस डायग्राम को देखिए। ये अपने पास क्या है? R1 प्रकाश किरण है, ये अपने पास क्या है? R2 प्रकाश किरण है। इनके मध्य का पाथ डिफरेंस क्या होगा? इनके मध्य का पाथ डिफरेंस अपने पास क्या होगा? देखो, तो ये तो अपने पास प्रकाश किरण है, इन्होंने ये अपने पास क्या है? इस पॉइंट के बाद क्या है? इन पैरेलल है, समांतर है। ये प्रकाश किरणें दोनों क्या है? इस BDN के बाद क्या है? समांतर है। ओके, देखो आगे, पाथ का डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा? वो होगा BC प्लस CD। इतना पाथ इसने क्या किया? एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। ओके, इसका अपवर्तनांक क्या है इस मीडियम का? म्यू है। माइनस क्या होगा? BN होगा। ओके, अब जो BN अपने पास है वो क्या है? उसका अपवर्तनांक 1 है, क्योंकि ये अपने पास क्या है? एयर है। एयर में अपने पास क्या होता है? एयर का अपवर्तनांक होता है 1। क्या होता है? एयर का अपने पास अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर अपन ने 1 कर दिया, ठीक है? देखिए ध्यान से, तो पथांतर क्या होगा? R1 तथा R2, वन सेकेंड, BR1 तथा DR2 परावर्तित किरणों में पथांतर। डेल, ये अपने पास क्या होगा? ये अपने पास डेल होगा, डेल इक्वल BC प्लस CD। ये अपने पास का अपवर्तनांक है म्यू, इस मीडियम का क्या अपवर्तनांक? म्यू अपने पास। माइनस क्या होगा? BN, इसका क्या है? 1 अपने पास अपवर्तनांक है। एयर का क्या होता है? 1 होता है। अब देखो, तो BC होता है वो क्या है? CD के बराबर है।
BC क्या है, CD के बराबर। इसको मैं लिख सकती हूँ, समीकरण एक। तो बेसिकली अपने को निकालना है कि अपने को यहाँ पर निकालना है BC और BN, ये दोनों अपन निकालेंगे। तो अगर अपने BC निकाले BN निकाले तो अपने पास पतांतर आ जाएगा। ओके, अगर अपने को BC अपन फाइंड आउट कर लें एंड BN फाइंड आउट कर लें तो अपने पास पतांतर आ जाएगा। देखो तो BC कैसे निकालेंगे, BC अपन कैसे निकालेंगे, अब यहां पर अपन यूज करेंगे ट्राइंगल इसका। वन सेकेंड, अपन ट्राइंगल का यूज करेंगे, देखो इसका यूज करेंगे BCM का, किसका, BCM का अपन यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये अपने पास क्या है, यहां पर R एंगल है, यहां पर क्या है, R एंगल। ओके, तो यहां पर अपने कोस का लगाएंगे या साइन का लगाएंगे, इसको देख देखो। तो कोस अपने पास क्या होता है, कोस अपने पास होता है BM होगा, BM अपॉन BC, बट BM अपने को पता नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे। अब साइन का अपने पास क्या होता है, सॉरी कोस का अपने पास क्या होगा, CM अपॉन BC होगा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कर्ण होता है, बेस अपने पास क्या है, CM है, तो CM अपॉन क्या होगा, BC होगा। ओके, तो CM क्या है, T है, देखो T अपने पास है, CM क्या है, T है। BC अपने को निकालना तो अपन यूज करेंगे कोस का। ओके, तो ट्राइंगल समकोण त्रिभुज BMC से, इसमें अपने पास क्या होगा, कोस आर, ये क्या होगा, बेस, बेस अपने पास क्या था, बेस था CM, और हाइपोटेनस अपने पास कर्ण क्या था, कर्ण था BC। ठीक है, अब देखो तो CM अपने पास क्या है, ये है मोटाई किसकी, उस पतली परत की अपने पास क्या है, मोटाई T, तो ये है T अपॉन BC, तो BC यहां पर होगा अपने पास T अपॉन कोस आर, समीकरण दो। तो BC अपने पास आ गया, अब निकालेंगे BN, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अपन BN, तो BN कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो BN निकालना, ये निकालना है। अब देखो अगर ये एंगल अपना I है तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस I, ये क्या होगा अपने पास 90 माइनस आई अपने पास होगा। ओके, इसको अपन वहां पर बनाते हैं, देखो ध्यान से, BND, B अपने पास क्या है 90 माइनस आई एंगल है। ओके, ये अपने पास क्या है 90 माइनस आई एंगल अपने पास है, ये है अपने पास BN, ये है DN। देखो ध्यान से, अपने को निकालना क्या है, BN निकालना, अपने को यहाँ पर निकालना क्या है BN। ओके, डायग्राम को देखिए, ये अपने को निकालना है BN निकालना है। ओके, ये अपने पास क्या है BD है, अब BD अपने पास क्या है, BD अपने पास है 2BM, देखो ये क्या है, दोनों बराबर है, तो 2BM के बराबर, BD क्या है 2BM के बराबर है। ओके, तो ये अपने पास क्या है 2BM है, अपने को निकालना है BN, तो अपन यूज करेंगे किसका, कोस का, कोस 90 माइनस आई, ये क्या होगा अपने पास, बेस BN अपॉन हाइपोटेनस BD। ठीक है, तो BN क्या होगा, BD साइन आई होगा, कोस 90 माइनस आई क्या होता है, साइन आई अपने पास होता है। ओके, साइन आई, अब BD क्या होगा, BD होगा अपने पास 2BM के बराबर, 2BM के बराबर, तो BN इक्वल
2bm साइन आई होगा। इक्वेशन नंबर 3, ओके नोट करो इसको। उसके बाद निकालते हैं, अब निकालेंगे अपन bm। bc अपने पास आ गया, अपने को निकालना bn, तो bn निकालने के लिए अपने को bm निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, अब निकालेंगे अपन BM। तो समकोण त्रिभुज BMC से, ओके तो यहां पर यूज करेंगे अपन, अपने को निकालना BM, BM निकालना है, ये अपने को BM निकालना है, ये अपने को पता है, ओके तो यहां पर अपन यूज करेंगे टेन का। टेन आर क्या होता है, टेन आर होता है लंब बी एम अपॉन बेस एम सी। ये अपने पास क्या है, ये टी मोटाई है, इसको सी एम देते हैं। टेन आर क्या होता है, लंब, लंब अपने पास क्या था, बी एम था अपॉन बेस। अपने पास क्या है, बेस अपने पास है, देखो इसका बेस ये है, बेस ये है, एंगल जो है उसका बेस है ये, इनमें कंफ्यूज मत होना। वो अपने पास क्या है, वो अपने पास बेस है सी एम, तो बी एम क्या होगा, सी एम क्या, अपने पास टी मोटाई है टेन आर। समीकरण 4, अब क्या करेंगे, 3 में अपन 4 से मान रखेंगे किसका, बी एम का। समीकरण 3 में 4 से मान पुट करेंगे, तो समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर तो अपने पास क्या आएगा, बी एन इक्वल टू टी टेन आर साइन आई। समीकरण 5, अब देखो बी एन अपने पास आ गया और बी सी भी अपने पास आ गया, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में बी सी और बी एन का मान पुट करेंगे, तो 2bc म्यू माइनस बी एन में बी सी और बी एन का मान पुट करेंगे, तो समीकरण 1, 2 व 5 से पथांतर क्या आएगा, डेल इक्वल 2bc म्यू माइनस बी एन, ओके और bc अपने पास क्या आया है, ये अपने पास है t अपॉन cos r म्यू, bn क्या है, ये रहा 2t tan r sin i। समीकरण 6 अपने पास है इस तरह से, ओके अब यहां पर अपन यूज करेंगे स्नेल के नियम का, इसका स्नेल के नियम का, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अगर अपने पास एक अपने पास क्या है यहां पर परत है कोई, या अपने पास कोई माध्यम की बाउंड्री, प्रकाश किरण क्या कर रही है इस तरह से आ रही, ये आई एंगल है, ये आर एंगल है, ये लंब है, ओके तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होता है, इसका अपूर्णांक है म्यू वन, इसका है म्यू टू, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होता है, म्यू वन साइन आई बराबर होता है म्यू टू साइन आर के, ओके अब यहां पर पहला माध्यम अपने पास क्या है, एयर है, पहला माध्यम क्या है, वो अपने पास एयर है, ठीक है ये एयर है, म्यू वन क्या होता है एयर के लिए, वन होता है, तो साइन आई अपने पास क्या होगा, और माध्यम का अपूर्णांक क्या है, म्यू है, साइन आर होगा। अब समीकरण 6 में क्या करेंगे, 7 से मान रखेंगे, समीकरण 6 में 7 से मान रखने पर इस केस में अपने पास पथांतर क्या आएगा, वो अपने पास डेल आएगा 2t म्यू अपॉन कोस आर माइनस 2t टेन क्या होता है, साइन आर अपॉन कोस आर, और साइन आई क्या होता है, म्यू साइन आर,
इस तरह से। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन अपने पास आएगा 2t μ/cos r। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, 1 बचेगा। यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर आर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, ये अपने पास होता है कोस स्क्वायर आर के, इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर आर के। तो ये क्या होगा कोस स्क्वायर आर के बराबर होगा। यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर की पावर, कोस आर की पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो क्या होगा एक पावर से एक पावर यहाँ पर अपने पास कैंसिल होगा, ठीक है। देन आफ्टर पतांतर अपने पास आएगा डेल इक्वल क्या आएगा 2μ/cos r, और ये अपनी है समीकरण नंबर 8। तो इस तरह से अपन ने पतांतर निकाला है परावर्तित किरणों में व्यतिकरण के लिए। ओके तो ये अपने पास क्या पाथ डिफरेंस है, किसमें परावर्तित किरणों में, तो जो अपने पास रिफ्लेक्टेड वेव है उनमें पाथ का क्या है डिफरेंस है। तो आज अपन इतना ही करेंगे। आज की क्लास में अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने किया था पतली फिल्म जो अपने पास है उसकी मोटाई बाय यूजिंग फ्रेनल बायप्रिज्म। इसके बाद अपन ने किया है ये पतली फिल्मों में व्यतिकरण, और ये अपने पास क्या परावर्तित किरणों का क्या है अपने पास पतांतर। तो आज अपन इतना ही करेंगे, इसके आगे अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।